तेज गिरावट का खतरा है। ऐसी कौन सी कंपनियां हो सकती है, क्योंकि पिछले दो सेशन से आप देख रहे हैं कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जहां पर गिरावट ज्यादा होती दिख रही है और लोगों को डर ये लगता है कि या तो यहां कर्ज बहुत ज्यादा है या यहां प्लेजिंग बहुत ज्यादा है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा किसके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, आपको कैसे पता चलेगा कि किसकी प्लेजिंग ज्यादा है। अच्छा, ये दोनों इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट से या रिसर्च से पता भी चल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आप ये पता कैसे लगाएंगे कि किसका कर्ज वाकई में इतना ज्यादा है कि वो रिपेमेंट नहीं कर सकता या ब्याज का बोझ नहीं सहन कर सकता। तो ऐसी कुछ रिसर्च हमारे रिसर्च हेड सुमित मेहरोत्रा ने की, तो आइए सुमित से जानते हैं। सुमित, पहले तो बताइए फॉर्मूला क्या है, कौन सी कंपनियां वो है ऐसी हैं जिनके लिए खतरा ज्यादा है गिरावट का। सीधा फॉर्मूला है, आप 10 रुपए कमाते हैं और 15 रुपए ब्याज भरते हैं। अच्छा, आपके पास कुछ नहीं है, एंड ऑफ द डे आप कुछ नहीं लेके जा, मतलब जितना पैसा कमा रहे हैं वो ब्याज में दे रहे हैं, सीधा सीधा, उससे ज्यादा ही, बल्कि उससे ज्यादा, यानी घर से पैसा लाकर आप सिर्फ ब्याज भर रहे हैं, असल तो अभी पहुंचे ही नहीं। तो यानी कि जो हम कहते हैं कामकाजी मुनाफा ईबिटा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो मतलब उसमें टैक्स और डेप्रिसिएशन अलग कर दें, इंटरेस्ट यानी कि अगर आपका कामकाजी मुनाफा इतना कम है कि इंटरेस्ट का पेमेंट उससे ज्यादा है, तो पहला फिल्टर वहां हो गया कि अगर ब्याज आपका जितना आप अपने बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, जितना कारोबार से कमा रहे हैं, उससे ज्यादा अगर आप ब्याज दे रहे हैं तो सबसे बड़ी रिस्क। कर्ज कितना भी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्ज बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास कर्ज तो सिर्फ 20 करोड़ है, लेकिन उनका ब्याज ही इतना जा रहा है, वो कमाती 5 करोड़ है और उसमें 15 करोड़ का ब्याज दे रहे हैं। अच्छा, तो पहला फिल्टर हो गया। दूसरा, अगर प्रमोटर का हिस्सा गिरवी पड़ा है और उसमें से 90% हिस्सा गिरवी पड़ा है, 80% हिस्सा गिरवी पड़ा है, मतलब ज्यादा गिरवी रखे है, सिर्फ 15% होल्डिंग, उसका भी 90 गिरवी है। मिसाल के तौर पे आप रिलायंस इंफ्रा को चेक करिए, 50% हिस्सा है और 90% गिरवी है। अच्छा, मतलब जितने 50% प्रमोटर्स के होल्डिंग है उसमें 90% यानी 45% उन्होंने कुछ नहीं है उनके पास। तो अब उनके पास अगर शेयर गिर जाए तो अब उनके पास में और कोई फॉर्मूला नहीं है और कोई तरीका नहीं जिससे कि वो चेक कर पाए कि कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। और कितना वो कामकाजी मुनाफा कर रहे हैं और कितना, रिलायंस इंफ्रा केस में 135 करोड़ का ऑपरेटिंग घाटा है, एक तिमाही में ऑपरेटिंग घाटा आता है 135, एक साल में माफ कीजिए 135 करोड़ का ऑपरेटिंग घाटा, और ब्याज आपके सामने है 5760 करोड़ का ब्याज लागत खाली भर रहे हैं, 5760 करोड़ का ब्याज लागत, और कामकाजी मुनाफा सिर्फ 135 करोड़, घाटा है, मुनाफा भी नहीं है, यानी कि हर साल 6000 करोड़ तो इनके गए ऐसे ब्याज ही ब्याज में। इनके एसेट भी अगर आप जोड़ लेंगे तो भी इतनी वैल्यू नहीं बिठा सकते। ओके, दूसरा नाम आता है अदानी पावर। ये पहले इसको समझाएं कि मतलब इसका मतलब क्लियर कट है कि बहुत लंबे समय तक इनके लिए मुश्किल होगा कि ये ब्याज कब तक भर पाए, कब तक भरेंगे। आप अगर ब्याज को कम भी करेंगे, ऑपरेटिंग मुनाफा बढ़ाएंगे भी, तो दोनों गैप इतना बड़ा है, कम करते करते कंपनी को कई साल लग जाने, 135 करोड़ से आप बढ़ा के 5 गुना भी कर लेंगे तो भी 1000 करोड़ ही पहुंचेंगे, और उधर अगर घटाएंगे भी तो भी 4000 करोड़ पहुंचेंगे, तब भी 4000 करोड़ रुपए आप ज्यादा भरते हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट 7000 कंपनियों जो हमने तलाशा बीएससी की, उसमें से 142 ऐसी कंपनियां निकली है जो कि इस तरह के फॉर्मेट में है, जिनका ब्याज लागत ज्यादा है और ऑपरेटिंग मुनाफा कम है, और सारी कंपनियां वो हो चुकी हैं जो पेनी है, 5 रुपए, 2 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, सिवाय इन कंपनियों। जैसे एग्जांपल बताओ, प्रतिभा इंडस्ट्रीज, सुजलॉन, रिलायंस कम्युनिकेशन, एचसीसी, जेपी एसोसिएट, जीएमआर, इनमें एसेट्स है थोड़े बहुत, लेकिन ये वो सब नाम है जिनका ब्याज इनके ऑपरेटिंग मुनाफे से कहीं ज्यादा है। तो आज आपको एक बहुत बेहतरीन रिसर्च एडवाइस जो मिली है वो ये कि कंपनियों में ये देखिए कामकाजी मुनाफे से ज्यादा अगर वो ब्याज भर रहे हैं तो मुश्किल है। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? अदानी पावर, 5534 करोड़ की इनकी ऑपरेटिंग मुनाफा है और 5570 करोड़ का इनका ब्याज है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है जो कमा रहे हैं वो सारा दे रहे हैं, तो आज नहीं तो कल ये सिचुएशन और खराब होगी। एक दिन भी कमाई कम हुई और ब्याज बढ़ेगा ही, घटेगा तो है नहीं, अगर ब्याज बढ़ा तो इनके लिए और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो अदानी पावर, रिलायंस इंफ्रा, दो बड़ी कंपनियां हैं जो इस सिचुएशन में लाया करती हैं, 142 छोटी मझोली कंपनियां और भी हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सुमित, दोनों ही कंपनियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली पावर से जुड़ी, दोनों ही पावर से जुड़ी, क्योंकि रिलायंस इंफ्रा में भी पावर तो ही है। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट था आपके आपके सवाल का, वो था हिस्सा गिरवी वाला, एक बार उसको भी नजर डालिए। अदानी पावर 75% प्रमोटर हिस्सा रखते हैं, 30% हिस्सा गिरवी पड़ा हुआ है। रिलायंस इंफ्रा 49%, आधा हिस्सा कंपनी के अंदर प्रमोटर का है, जो कि ऑलमोस्ट पूरा गिरवी पड़ा हुआ है, 85% 84% हिस्सा गिरवी है। साथ ही साथ ग्रैन्यूल्स 60% हिस्सा गिरवी पड़ा हुआ है आधे में से। प्रभात डेरी, रिसेंटली इन्होंने कुछ खबरें भी दी थी अपने बड़े कारोबार को बेचने की, इनका भी 42% हिस्सा गिरवी पड़ा हुआ है। इंडिया सीमेंट, एनसीसी, ऐसी तमाम कंपनियां हैं जिनकी हिस्सेदारी गिरवी पड़ी हुई है। तो हिस्सा गिरवी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन ब्याज अगर आप इतना इतना भर रहे हैं तो आपके लिए जाहिर सी बात है कोई रिस्पाइट नहीं है।
इनफैक्ट टाटा मोटर्स जैसी कंपनी भी 5,000 करोड़ रुपए का सालाना ब्याज भरती है, 15,000 करोड़ का EBITDA उनके सामने है। तो उनकी सिचुएशन इतनी खराब अभी नहीं हुई है, लेकिन हाँ फिर भी वो बहुत बड़ा ब्याज भर रहे हैं। कुछ ऐसे नाम और भी हैं, प्रभात डेरी, ग्रैन्यूल्स, इंडिया सीमेंट, जिनका ब्याज तो काफी है, हालांकि उस सिचुएशन में भी नहीं आया कि वो इनके ब्याज लागत से ज्यादा आए। लेकिन बाजार, जाहिर सी बात है, जिन कंपनियों का ब्याज लागत अगर उनकी ऑपरेटिंग मुनाफे से ज्यादा है तो उनको आज तो कल दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। तो ये है आपके लिए बेहतरीन रिसर्च। इसका मतलब सिंपल है, जिन कंपनियों के पास कर्ज ज्यादा है, कर्ज पे जो ब्याज दे रहे हैं वो कमाई से ज्यादा है, और साथ ही प्रमोटर्स ने प्लेज यानी गिरवी ज्यादा रखे हुए हैं, तो फिर मामला मुश्किल भरा कभी भी हो सकता है। उन कंपनियों में आपको हमेशा ये तैयार रहना कि खबर किसी भी तरह की खराब आ सकती है, ये जरूर ध्यान में रखें। आइए चोपड़ा साहब से इस पर राय लें। चोपड़ा साहब, क्या कहना है आपका? एक समय था अनिल साहब जब डेट इजी था, कर्जा लेना बहुत आसान था, कंपनियां जाती थी बैंकों के पास, और पिछले 10-15 सालों में ये चीजें काफी खराब हुई। बैंकों ने भी अपना एनालिसिस पूरा नहीं किया कि कर्ज की वापसी कैसे होगी, और कहीं ना कहीं जितना वो खा सकते थे उससे ज्यादा उन्होंने मुंह में निवाले भर लिए, और ये चीजें कहीं ना कहीं इसका आफ्टरमाथ आता है। और कर्जा और उसका पेमेंट ऑफ भुगतान करना, उस कर्जे का इंटरेस्ट पे कर पाना है, बहुत कठिन हो जाता है। सबसे पहले ये इंफ्रा कंपनीज के साथ चालू हुआ, फिर स्टील कंपनीज, फिर टेक्सटाइल कंपनीज, और अब तो बेशुमार कंपनीज ऐसी हो गई हैं। सुमित जी भी बता रहा था कि नंबर बढ़ता जा रहा है इन कंपनीज का। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गेहूं के साथ घुन भी मिल जाता है, बहुत सारी जेन्युइन बैलेंस शीट्स खराब हो जाती हैं क्योंकि कर्जा वो भुगतान नहीं कर पाते। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए, जब सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा लगाए और देश की उन्नति में आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जेन्युइन केसेस है उसके ऊपर और ज्यादा छानबीन होनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी मदद करनी चाहिए, थोड़ा मोरेटोरियम बढ़ाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए जो जेन्युइन काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से बचाया जाए ताकि वो बर्बाद ना हो या खत्म ना हो। तो बहुत मुश्किल सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन है, और वो मेरे पास भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ऐसा कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो कहना बहुत कठिन है इस समय पे, मगर ये बात निश्चित है कि जिस तरीके से कर्जे की वजह से और जो डिस्ट्रॉय हुआ है बिजनेस एनवायरमेंट जमीन पे, मैं काफी समय से ये बात बोलता आ रहा हूँ कि अच्छी कंपनीज भी जो खराब रैंसेंट बिजनेस एनवायरमेंट है उसकी वजह से खराब हो रही है। आज लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम्स कम होती जा रही है। मारुति जैसी दिग्गज कंपनी जो 50% से ज्यादा मार्केट शेयर रखती है, तो इस पूरे के पूरे फेस्टिव सीजन में मैंने देखा कि शोरूम्स खाली पड़े थे, लोगों की केवल इंक्वायरीज थी, पिकअप्स नहीं थे व्हीकल्स के। तो अच्छी बैलेंस शीट्स भी खराब हो रही हैं इन सब चीजों में। तो कहीं ना कहीं एक सरकार की नजरदानी बहुत जरूरी है। इस बजट में भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कुछ फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी कंपनीज को जो कि जेन्युइनली काम कर रही हैं, कोई भी कंपनी का जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट बनाना होता है, अगर प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तो वो सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे, तो पूरा का पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं ढह जाएगा। तो बहुत जरूरी है अनिल जी कि ये एक जो पब्लिक पार्टनरशिप है गवर्नमेंट के साथ, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, और जेन्युइन बैलेंस शीट, जेन्युइन लोगों को, जेन्युइन प्रमोटर्स को जो कि 50-60 साल से काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से अकोमोडेट किया जाए और उनको हेल्प की जाए, इस पर चिंतन मंथन होना बहुत आवश्यक है। ठीक बात है।